मेरा नाम साइली मंगेश महिजुन है, मैं मुंबई से हूँ। मैं 9वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम आर्यन भट्ट हाई स्कूल है। मेरे पापा कॉबलर है और मेरी मम्मी है जो है वो हाउसवाइफ है, और मेरी बहन है वो आईटी डिप्लोमा करती है। मैंने भागना 6th से शुरू किया। जब मैंने भागना शुरू किया तब मेरे पास शूज़ नहीं थे। कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करके मेरे पास थोड़ा सा पैसे आके वो जमा करके और उससे मैंने शूज़ का खरीदे। और उसके बाद ऐसे करते करते मुझे सर ने मेरे सपोर्ट किया। उन्होंने मुझे एक रेस थी PDP ना, मतलब प्रियदर्शनी पार्क, उधर मुझे भागने के लिए भेजा। मुझे पता भी नहीं था कि मेरा फर्स्ट रैंक आएगा। मेरा बच्ची साइली मंगेश महिजुन है, ये 9 में पढ़ती है। और 12 अक्टूबर का दिन था 2015। उस दिन मैं मेरे दुकान पे चप्पल का काम कर रहा था। 12 बजे मेरे को उनका फ़ोन आया किसी के मोबाइल के ऊपर से, पप्पा जी मैं गोल्ड मेडल जीता हूँ। बाद में शाम को सब न्यूज़ वाले मिड डे के सुंदर आयर के साथ में फोटोग्राफर वगैरह सब मुलाकात लेने के लिए मेरे दुकान पर आ गए। और डायरेक्ट उसने मिड डे पेपर 13 अक्टूबर 2015 से लेके 8 दिन में 3 इंग्लिश पेपर, 10 मराठी पेपर, 2 हिंदी पेपर, इसमें सब समाचार साइली का आ गए। साइली की जब आप कहानी सुनेंगे तो आपको भी यही लगेगा जो मुझे लग रहा है इस वक्त। एक कॉबलर की बेटी इतनी टैलेंटेड है, और जिसका बाप जूते बनाता है और उसके पास जूते नहीं है पहन के दौड़ने के लिए, और वो गोल्ड जीती है, मुंबई में गोल्ड जीती है। और तो आई थिंक ये सबसे बड़ा रीज़न है कि ऐसे ऐसे बच्चे हमारे देश में, और इनके पास टैलेंट है और इनके पास मीन्स नहीं है वहाँ पहुँचने के। तो आई थिंक शी इज़ वेरी वेरी इंस्पायरिंग। मैं अभी उसी के साथ शूट कर रहा हूँ एंड आई एम गेटिंग इंस्पायर्ड बाय हर।